बरेली नगर निगम के फरमान पर विवाद हो चुका है। हिंदू संगठनों ने टैक्स का विरोध किया है, मंदिरों पर टैक्स लगाने का विरोध किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बरेली नगर निगम के इस फैसले का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। मस्जिदों को टैक्स में छूट देने का दावा भी स्थानीय लोगों की तरफ से किया जा रहा है। हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं कि मंदिरों पर टैक्स लगाया जा रहा है जबकि मस्जिदों को इसमें छूट दी जा रही है। इसको लेकर हिंदू संगठन बरेली नगर निगम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, बरेली के मंदिर मस्जिद की तस्वीरें आपको एक साथ दिखाते हैं कि आप देखिए किस तरह से मंदिर पर टैक्स और मस्जिद को मोहलत, ये बरेली के स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं नगर निगम पर। तो देखिए मंदिर पर टैक्स जो लगा है बरेली नगर निगम के द्वारा, उसका विरोध यहां पर हिंदू संगठनों ने जताया है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये हिंदू संगठन और स्थानीय लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि मस्जिद को क्यों राहत दी गई, उस पर टैक्स क्यों नहीं लगाया गया। यह बड़ा सवाल बरेली के जो हिंदू संगठन है वो लगातार पूछ रहे हैं। बरेली में मंदिरों के बाहर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू राज। बरेली नगर निगम ने एक नोटिस जारी किया है। नोटिस के तहत तमाम जो मंदिर हैं, लगभग एक दर्जन से ज्यादा ऐसे मंदिर हैं जिनको हाउस टैक्स का नोटिस दिया गया है। हालांकि इस नोटिस देने के बाद लोगों के अंदर नाराजगी इस बात की है कि ये हाउस टैक्स का नोटिस सिर्फ मंदिरों को ही दिया गया है, जिसमें से मस्जिद को एग्जेम्प्ट किया गया, उसे जीरो का नोटिस आया है। और इस बात को लेकर बरेली शहर में आम लोगों के अंदर नाराजगी है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहारीपुरा मंदिर के पुजारी हैं। पुजारी जी, ये बताइए कि ये जो नोटिस आया है हाउस टैक्स का, क्या इससे पहले भी आया था? कभी नहीं आया। इस पर कितने का नोटिस आया? 39,000 का सुना है मैंने, मेरे पास नहीं आया। लोगों ने बताया है कि उनके मोबाइल पे आया, मेरे पास कोई नहीं आया। अच्छा, यहाँ कौन सा जो है व्यवसाय चल रहा है, यहाँ पर टैक्स आ रहा है, ये बताइए। आज तक तो कभी नहीं सुना हमने मंदिर में टैक्स आया, आज पहली बार सुन रहे हैं कि जो है इस पर टैक्स लगाया गया है। इसमें कौन सी आमदनी हो रही है? ये भेदभाव क्यों, सिर्फ मंदिरों को ही ये नोटिस आया है, मस्जिदों को? हाँ बिल्कुल, गिरजाघर गुरुद्वारे इनको दूर रखा गया। हाँ बिल्कुल दूर रखा गया, हमारे मंदिर से क्या लेना देना है? बीबी जी की मस्जिद में 50 दुकानें हैं, वहां पे कोई टैक्स नहीं है। आला हजरत क्या 100 दुकानें हैं, वहां कोई टैक्स नहीं है। ये बिल्कुल गलत आया है साहब, कोई सवाल ही नहीं। या तो यहाँ आमदनी हो या कोई हो, यहाँ तो खाली 50 साल हो गए और बैठे के बैठे मंदिर है यहाँ पे। तो लोगों का कहना है कि इस तरह की जो तमाम मंदिर हैं 50 साल 40 साल पुराने मंदिर है और इन मंदिरों को हाउस टैक्स का नोटिस दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में नगर निगम ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन शहर के अंदर लोगों के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है कि मंदिरों को हाउस टैक्स भरने का नोटिस जारी किया गया है। राजू राज, जी मीडिया, बरेली। हालांकि बरेली नगर निगम कह रहा है कि रसीदें गलती से जारी हो सकती हैं। हो सकता है कोई टूटी बस ये टैक्स आ गया हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च, इस पर किसी पर भी हम नगर निगम से टैक्स नहीं लगाते हैं। और कोई भी ये, हम 22 तारीख को एक हमने मुख्य कर अधिकारी से इससे एक मीटिंग करी थी, एक मामला हमारे सामने आया था, तो हमने उनको अवगत करा दिया है कि अगर मंदिर पर अगर टैक्स लग रहा है तो ये गलत है। किसी भी धार्मिक स्थल पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। धार्मिक स्थल पर टैक्स उस पर लगता है जिसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हो, जैसे दुकान कोई चल रही हो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, तो टैक्स लगेगा। सर्वेश जी, हमने लगभग कई मंदिरों में अभी लोगों से बातचीत की, उनके पुजारी से बात की, वैसे मंदिरों को भी हाउस टैक्स दिया गया है जहां पर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं चल रही हैं। लोगों के अंदर इस बात को नाराज़गी है कि हाउस टैक्स सिर्फ मंदिरों को दिया गया जहां, जबकि जो दूसरे धार्मिक स्थल है उनके जो हाउस टैक्स का नोटिस है उसमें जीरो दिखाया गया। देखिए ये बहुत सारे हो सकता है, हो सकते हो क्योंकि GIS सर्वे हुआ था तो उन्होंने हो सकता है दिखा दिया हो। तो निश्चित ही अगर किसी भी मंदिर पर अगर टैक्स लगा है तो माननीय मेयर साहब के नेतृत्व में ये बहुत जल्दी जल्दी खत्म होगा। उन्होंने संज्ञान ले चुके हैं, इस तरीके का संज्ञान लेके CTO को, हमारे जो मुख्य अधिकारी रहते हैं उनको ये आदेश दे दिए गए कि किसी भी धार्मिक स्थल पे जिसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आ गया है तो स्वतः वो अपने आप निरस्त होगा। एक बार आके जिस मंदिर पर आ गया वो हम लोगों को अपने एक एप्लीकेशन दे दे, मंदिर का बिल दे दे। तो क्या आपको लगता है कि ये एक लापरवाही हुई है या भूल हुई है?
नहीं, ये मैं अभी कह नहीं सकता कि लापरवाही हो सकता है कि पुराना कोई बिल, जैसे मंदिर के साथ एक घर जुड़ा हुआ है तो उसका घर का आता हो, तो उन्होंने उसको पूरा दिखा दिया हो, इसमें इस तरीके की कोई लापरवाही हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो सर्वे करवाया गया नगर निगम की तरफ से कराया गया कि दूसरी एजेंसी से कराया गया, जिसकी वजह से ये त्रुटि सामने आई है? ये राज्य सरकार की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे हो रहे हैं, खाली बरेली में सर्वे नहीं है, जीआईएस सर्वे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारी ऐसी है नगर निगम से छूटी हुई जिन पर टैक्स नहीं लगता था। ये राज्य सरकार की तरफ से एक एजेंसी इसको नियुक्त करी गई है, वो एजेंसी इसको इसका सर्वे कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोग मान रहे हैं कि जिस एजेंसी को ये टास्क दिया गया उस एजेंसी से ये गलती हुई है, भूल हुई है? नहीं, कहीं ना कहीं देखिए भूल तो हुई है, तभी लगा टैक्स। और इतना बड़े जब 3.5 लाख हमारे यहाँ पे मकान, मंदिर, मस्जिद सारे चीज़ें हैं, तो कुछ 2-4% टूटी होने की संभावना रहती है। तो क्या अब जो ये टैक्स दिया गया है, क्या इसे वापस लिया जाएगा, इसको जीरो किया जाएगा? निश्चित ही अगर एक्ट में नहीं है तो किसी भी धार्मिक स्थल पर टैक्स नहीं लगेगा। अब हिंदू पक्ष का क्या कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। अधिकांश मंदिरों के ऊपर जो टैक्स बना करके नगर निगम में थोपा है और बिल भी किसी को दिए नहीं है, ये किस कानून के तहत ये काम कर रहे हैं? मंदिरों पे टैक्स लगा दिया, मस्जिदों को छोड़ दिया, क्या आज हिंदुओं की गवर्नमेंट में, जो डबल इंजन की गवर्नमेंट कहते हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक हिंदुओं की गवर्नमेंट में अगर हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा तो ये क्या जायज है? क्या कहाँ तक जायज है? और फिर कहते हैं आप हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं की बातें करते हैं। ना मंदिर पे टैक्स लगना चाहिए, ना मस्जिद पे लगना चाहिए, और मंदिर तो भक्तों के लिए है, भाई पूजा करने आते हैं, इसमें कोई आमदनी का तो काम है नहीं किसी को, और ना कोई टैक्स देने का मतलब होता है इसमें। और गवर्नमेंट का आदेश भी है कि भाई टैक्स नहीं होना चाहिए धार्मिक पावन स्थलों पे। अब आपको हम वो रसीद दिखाते हैं जो कि मंदिरों को भेजा गया है, जिस पर टैक्स की मांग की गई। आप ये देखिए, बरेली नगर निगम की तरफ से ये रसीदें भेजी गई हैं मंदिरों को टैक्स वसूलने के लिए। ये आप देखिए, यहाँ पर मंदिर का नाम लिखा है, पता लिखा है, और किस इलाके में है, और कितनी धनराशि, 6,931 रुपये का ये टैक्स की स्लिप आपको दिखा रहे हैं जो नगर निगम की तरफ से एक मंदिर को भेजी गई है टैक्स के तौर पर। हालांकि नगर निगम कह रहा है कि हो सकता है गलती से गई हो। और आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं टैक्स लगाने पर मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है, ये भी आपको सुन लेना चाहिए। नगर निगम बरेली ने जो फैसला किया है, उस फैसले से ये जाहिर नहीं होता है कि ये इंसाफ पर मबनी फैसला है, ये पक्षपात वाला फैसला है। इस पर उसको पुनर्विचार करना चाहिए, नजरसानी करना चाहिए, और जितने भी मजहबी मकामात हैं तो उन मकामात, मजहबी मकामात को यकसा तौर पर देखा जाना चाहिए। अगर मंदिर पर टैक्स है तो मस्जिद पर भी टैक्स लगे, अगर मस्जिद पर टैक्स नहीं है तो मंदिर पर भी टैक्स नहीं होना चाहिए। ऐसे ही चर्च हैं, ऐसे ही गुरुद्वारे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो आईने हिंद के मुताबिक सबका दर्जा बराबर है। इसी बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजू राज सीधे बरेली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजू राज, क्या ये कैसे पूरा विवाद खड़ा हुआ, और आखिरकार नगर निगम ने सिर्फ मंदिरों को ही टैक्स वसूलने का नोटिस क्यों भेजा और मस्जिदों को क्यों नहीं भेजा? निश्चित तौर पर विशाल, एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर, यही वजह है कि स्थानीय निवासी और तमाम हिंदू संगठन नाराज़ है इस बात को लेकर। दरअसल नगर निगम का इस पूरे मामले में जो कहना है कि दरअसल प्राइवेट एजेंसी को सर्वे दिया गया था और प्राइवेट एजेंसी ने उन तमाम मंदिरों को नोटिस जारी किया हाउस टैक्स का, जिनका हाउस टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर त्रुटि हुई है तो सिर्फ मंदिर को लेकर क्यों, तमाम जो मस्जिदों को जो नोटिस है, हाउस टैक्स का नोटिस है, वो जीरो है, उसे कर मुक्त रखा गया, तो ये एक बड़ा सवाल है। इसी मसले पर बात करने के लिए नगर निगम के डिप्टी मेयर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि अभी आपसे कुछ देर पहले भी मैंने बात किया, ये त्रुटि सिर्फ मंदिरों को लेकर ही क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक दो मामला ये सामने आया है, हो सकता है उस मंदिर के बराबर में कोई मकान हो, अलग से बनाया गया हो, जो उस पर टैक्स लगा है, दिखा मंदिर में रहे, पर एट में नहीं है और किसी भी मंदिर पर टैक्स ये नहीं लगेगा, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, अगर एक्ट में नहीं है। और ये पूरे 17 नगर निगम में ये जीआईएस सर्वे चल रहा है, ये खाली बरेली में नहीं है। अगर 3.5 लाख हमारे प्रॉपर्टियां हैं बरेली नगर निगम क्षेत्र में, तो हो सकता है एक दो परसेंट में ये टूटी हो। क्या ये नोटिस वापस लिया जाएगा, ये नोटिस क्या वापस लिया जाएगा मंदिरों से जो दिया गया टैक्स का? बिल्कुल विशाल सर, ये बताइए कि जो ये हाउस टैक्स का नोटिस दिया गया है, क्या ये आप लोग वापस लेने वाले हैं, वापस ले रहे हैं?
नहीं, ये वापस हमने ले लिया है। हाँ। हमारी 22 तारीख को एक मुख्य कर निरीक्षक अधिकारी के साथ एक बैठक माननीय मेयर साहब ने करी थी, जिसमें दो मामले ऐसे सामने आए थे कि मंदिर पर टैक्स लग गया है, मस्जिद पर जीरो दिखाया गया है। तो ये जांच कब कराएगा? उन्होंने कह दिया है कि अगर एक्ट में नहीं है तो किसी भी धार्मिक स्थल एक्ट में नहीं है तो नहीं लिया जाएगा। आप बताइए कि मंदिरों को नोटिस दिया गया है हाउस टैक्स का, मस्जिदों को इससे मुक्त रखा गया है, इसे लेकर आप लोगों के अंदर एक नाराजगी है, क्या कहना चाहेंगे? क्या गलती सिर्फ मंदिरों को लेकर है या फिर मस्जिदों को लेकर? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज देखा जा रहा है कि मस्जिदों को अलग रख करके और मंदिरों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है आप बताइए। पहले तो आप कहते हैं कि हम मंदिरों के विकास के बात करेंगे, मंदिर 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 मंदिर। राजू राजू, मैं चाहूंगा एक बार डिप्टी मेयर से आप दोबारा इस चीज को कंफर्म करिए कि जो नोटिस टैक्स का मंदिरों को दिया गया है उसे वापस ले लिया गया है। सर आप ये हमारे दर्शकों को, जी न्यूज के तमाम दर्शकों को जो इस वक्त देख रहे हैं, उससे इस बात का क्लियर आप कर दें कि जो मंदिरों को नोटिस भेजा गया हाउस टैक्स का, लगभग एक दर्जन से ज्यादा मंदिर हैं, क्या ये वापस ले लिया गया है या फिर आप ले लेंगे इस पूरे मामले की जांच कराने के बाद? हमारे पास अभी दो मामले ऐसे आए हैं तो वो उनको आदेश कर दिया गया है कि जांच करा के अगर मंदिर मस्जिद पर किसी पर भी टैक्स नहीं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, वापस लिया या नहीं, बस किसी तरीके से हो गया होगा। और बहुत सी ऐसी मस्जिद भी बिल्कुल वापस लिया जाएगा और लिया गया है, कुछ उस पर निर्णय लिया गया है। अभी निर्णय लिया, वापस नहीं लिया गया। नहीं वापस, अब जांच क्यों, 22 तारीख को मीटिंग हुई थी तो उसमें जांच का बिंदु यह है कि किसी मंदिर के बाहर या मंदिर के प्रांगण में किसी। मेयर साहब मैं बता रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, बरेली नगर निगम के डिप्टी मेयर का कहना है कि जो टैक्स का नोटिस मंदिरों को भेजा गया है उसको वापस ले लिया गया है। जी न्यूज की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। बरेली के डिप्टी मेयर ने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि नोटिस को वापस ले लिया गया है। जो दो मंदिरों का मामला सामने आया था जिन्हें हाउस टैक्स का नोटिस दिया गया था, उस नोटिस को वापस लिया गया है। जी